हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जस्टिन बीबर के बारे में। जस्टिन बीबर को तो आप सब जानते ही होंगे। जस्टिन बीबर ने बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल कर ली है, जो काबिले तारीफ है। तो आज हम उन्हीं की बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे। तो हाय गाइस, वेलकम टू आरके बायोग्राफी चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका आरके बायोग्राफी चैनल में। तो जस्टिन बीबर का जन्म 1 मार्च 1994 को लंदन के ओंटारियो में हुआ था। उनकी मॉम का नेम पैट्रिसिया बीबर और डैड का नेम जेरमी बीबर है। जस्टिन को बचपन से ही म्यूजिक का, जिसके कारण बचपन में ही उन्होंने गिटार, ड्रम और पियानो बजाना भी सीख लिया था। जब उनकी मॉम को पता चला कि उनको सिंगर बनना है, तो उनकी मॉम ने भी बहुत सपोर्ट किया और 12 साल की उम्र में ही उन्होंने स्ट्रेटफोर्ड के एक सिंगिंग कंपटीशन में उन्हें पार्टिसिपेट करवा दिया, जहां जस्टिन ने अमेरिकन सिंगर का गाना सो सिक गाया। उस कंपटीशन में लोगों को उनका गाना इतना अच्छा लगा कि वो उस कंपटीशन में सेकंड विनर बने। और फिर धीरे धीरे आसपास की सिटी में वो बहुत फेमस होने लगे और फिर उन्होंने बहुत जगह लाइव स्टेज परफॉर्म करना शुरू कर दिया। जस्टिन बीबर की मॉम उनकी हर परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करके लोगों को दिखाने के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दिया करती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उनके गाए हुए गाने को YouTube पर भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा। उसी समय स्कूटर ब्राउन, जो कि एक सिंगर हैं, उन्हें अपने एक एल्बम सॉन्ग के लिए एक सिंगर की तलाश थी। तभी उन्होंने जस्टिन बीबर का गाया हुआ गाना YouTube पर देखा। वो जस्टिन बीबर की सिंगिंग से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए और उन्होंने जस्टिन की मॉम से कांटेक्ट करके उनसे बात की। उन्हें अपनी एक एल्बम के लिए जस्टिन बीबर की आवाज बहुत ज्यादा पसंद आई और उन्होंने कहा कि मैं अपनी एल्बम में जस्टिन से सिंगिंग करवाना चाहता हूँ। फिर वो जॉर्जिया के अटलांटा शहर में गए। उन्होंने एल्बम में सिंगिंग की और जस्टिन के डेब्यू एल्बम रिकॉर्डिंग शुरू करते टाइम ही उनका सबसे पहला गाया हुआ गाना वन टाइम एक रेडियो स्टेशन पर रिलीज किया गया और इस सॉन्ग ने रिलीज बहुत और ये सॉन्ग इतना वायरल हुआ कि कनाडा के हॉट 100 सॉन्ग्स में 12th नंबर तक पहुंच गया। इस गाने को कनाडा में प्लैटिनम और ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड से सर्टिफाइड किया गया। 19 मार्च 2010 को जस्टिन का पहला फुल स्टूडियो एल्बम माय वर्ल्ड 2.0 किया गया, जिसके बहुत सॉन्ग बिलबोर्ड के हॉट 100 में शामिल हुए और इसी एल्बम का एक सॉन्ग बेबी पूरे वर्ल्ड में हिट हो गया और इसके बाद वो पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाते गए और उनका सॉन्ग बेबी यूट्यूब पर भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ। और जस्टिन ने अब तक एक ग्रैमी अवार्ड, 8 एमटीवी म्यूजिक अवार्ड, 13 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड और बहुत से अवार्ड को भी जीता और
उन्होंने ट्विटर पर इस समय 10 करोड़ फॉलो करते हैं और फेसबुक पेज पर भी उन्हें बहुत ज्यादा लाइक्स मिलते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।